हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ पिलग्रिम ब्रांड, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट ब्रांड है स्किन केयर की, उस ब्रांड का न्यू लॉन्च। एंड एक्चुअली जो है ना, मैंने पिलग्रिम की बहुत सारी पहले भी रेंजेस ट्राई करी हुई हैं। इनकी फ्रेंच रेंज मैंने ट्राई करी हुई है, इनकी स्पेन वाली जो रेंज थी स्क्वालेन वाली वो मैंने ट्राई करी हुई है। देन अभी इन्होंने जो लॉन्च किया है दैट इज़ पिलग्रिम की विटामिन सी रेंज। एंड अगर आपको पता नहीं पिलग्रिम क्या है, मेड इन इंडिया इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, ये पीटा सर्टिफाइड ब्रांड है। एंड इनकी खास बात ये है ना कि ये सारी स्किन टाइप्स को, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। साथ में यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि मैन एंड वुमेन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें केमिकल्स नहीं है, सल्फेट्स नहीं है इनके प्रोडक्ट्स में, तो काफ़ी अच्छी मुझे इनकी रेंजेस लगती हैं एंड अफोर्डेबल साइड में भी होती हैं। तो अभी जो फ़िलहाल है मैंने इनकी रेंज मंगाई है न्यू लॉन्च, जो कि है इनकी विटामिन सी रेंज। एंड इसके प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए, जो मेनली सीटीएम प्रोटीन होता है जिसमें क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग होती है, तो उसके लिए जो है मैंने यहाँ पे ये तीन प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। पहला है यहाँ पे क्लेंजर, देन दूसरा है टोनर एंड तीसरा है ऑब्वियसली मॉइस्चराइजर। तो अगर हम बात करें इसके इंग्रेडिएंट की, तो पूरी ही रेंज में नॉन इंग्रेडिएंट मेन यूज़ करे हुए हैं। फर्स्ट है काकाडू प्लम। एक्चुअली जो हमने ये सुना होगा कि जो विटामिन सी है वो उसका बहुत ही अच्छा रिच जो सोर्स है वो है ऑरेंजेस, लेकिन ये जो काकाडू प्लम है ना, इसमें एक्चुअली 100 टाइम्स ज़्यादा विटामिन सी होता है ऑरेंजेस से, सरप्राइजिंग ना। एंड दूसरा इसमें है इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड EAA, जो कि 99.99% विटामिन सी का डेरिवेटिव होता है। तो प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट कैसे हैं चलिए इनको देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे विटामिन सी का जेल फेस वॉश है, इसमें है ककड़ू प्लम एंड लाइम पर्ल। इसमें जो है इनकी जो रेंज है ना, ये क्लेम करती है कि आपके स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देगी, रेडिएंट ब्राइटनिंग इफेक्ट देगी। इसमें जो ये फेस वॉश है ना, ये जेंटल एक्सफोलिएशन करेगा, स्किन टोन को आपकी इवन करने में हेल्प करेगा एंड स्किन को ब्राइटन करने में तो हेल्प करेगा ही। दूसरी चीज़, इसका अगर हम प्राइस की बात करें तो 100 ml आपको 250 rupees में मिल जाएगा। जनरली जो फेस वॉशेज होते हैं वो इसी रेंज में होते हैं, तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। इसमें आपको जो शेल्फ लाइफ है वो मिल जाएगी 3 months की। एंड ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है, काफ़ी लाइट है। एंड अगर आप इसमें फ्रेग्रेंस की बात करो ना, तो जैसे बचपन में जो ऑरेंजेस वाली टॉफीज में से स्मेल आती थी ना, बिल्कुल नॉस्टैल्जिक वाली स्मेल है ये। इसका जो टेक्सचर है ना वो जेल बेस्ड है एंड काफ़ी लाइट वेट है, एंड स्किन को जो है काफ़ी अच्छी तरीके से ये क्लीन कर देता है। देन हम सेकंड प्रोडक्ट पे आते हैं, जो कि विटामिन सी टोनर, 1% विटामिन सी टोनर है ये। इसमें आपको जो है अगेन 100 ml प्रोडक्ट मिल जाएगा 300 rupees में। इसमें आपको ये स्प्रे मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप इजीली जो है फेस के ऊपर टोनर को अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो है ना, मतलब बहुत ही भीनी भीनी सी, बहुत ही हल्की सी जो है खुशबू आ रही है, काफ़ी अच्छी सी। एंड ये स्किन में ट्रस्ट मी, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने अभी इसमें स्किन के ऊपर टोनर लगाया होगा, बहुत ही एकदम से एब्जॉर्ब हो गया स्किन के अंदर, काफ़ी अच्छा है ये टोनर भी। देन थर्ड जो प्रोडक्ट है वो है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इसमें 2% विटामिन सी है। दिस इज़ एक्चुअली गुड फॉर ऑयली स्किन, क्योंकि मेरी खुद की एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि मेरे ऊपर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कि काफ़ी जैसे वर्क करते हैं, जिनमें से विटामिन सी जो है ना वो भी एक इंग्रेडिएंट है जो मेरे स्किन के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। एंड मुझे अपने स्किन के ऊपर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अगर मैं उसको ट्राई करती हूँ तो इससे मेरे काफ़ी ज़्यादा हाई होप्स हैं। एंड ये जो मॉइस्चराइजर है, दिस इज़ बेस्ट, क्योंकि ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है। तो मतलब अगर आप, क्योंकि अब समर्स आ ही गई है, विंटर्स चले गए ऑलमोस्ट, तो अब क्या है ना कि समर्स के टाइम पे जिनकी ऑयली स्किन है उनको पता होगा कितनी ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती है। एंड आपकी स्किन को ऑयली स्किन है तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रेशन की जरूरत नहीं है, मॉइस्चराइजेशन की जरूरत नहीं है, आप मॉइस्चराइजर लगा नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मॉइस्चराइजर लगाओ लेकिन ऑयल फ्री, तो ये वाला जो मॉइस्चराइजर है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी टाइप का टेक्सचर है, बहुत ही हल्का सा ना, इसमें ऑरेंज कलर का टिंट आपको मिल जाता है, लुक एट दैट। एंड लगाने के बाद ना, लेट मी टेल यू, ओ
तो स्किन के अंदर तो ये काफी अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब हो गया, मतलब मुझे स्किन अपने बिल्कुल भी चिपचिपी सी नहीं लग रही। एंड ना ही मतलब मैंने कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर ट्राई करे हैं ना जिनको लगाने के बाद मतलब आपको ऐसा लगता है कि और लगाने की जरूरत है, मतलब तब भी आपको स्किन ड्राई लगती है, लेकिन मैंने इतना सा छोटा सा अमाउंट लगाया है और मेरी पूरी जो फेस है उसको इसने अच्छे से मॉइस्चराइज कर दिया। 50 ग्राम आपको 350 रुपीज में मिल रहा है, तो काफी अच्छे मतलब मुझे इनकी रेंज लगी अफोर्डेबल साइड में। एंड अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये विटामिन सी की रेंज काफ़ी अच्छी है, एंड डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आप इसको परचेज करना चाहो तो आप नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इवन इनकी वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप 15% का डिस्काउंट पाने के लिए आप स्क्रीन पे दिया गया कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो। इनके जो भी नए नए रेंजेस आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, नए इंग्रीडियंट्स आ रहे हैं, उनके नए प्रोडक्ट्स के लिए जो है आप अगर जानना चाहते हो तो उनके इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर ये अपडेट्स देते रहते हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।